हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 6 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जिनको करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं इस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि दोस्तों आपको भी सबको पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई है भारत की। बट और लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बिल्कुल डाउन चले जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिनको करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं लॉकडाउन के बाद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूं, दोस्तों अगर आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखिए ये वीडियो छोटी सी होती है इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता हूं। अगर आप कोई भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी आपको पूरी नॉलेज लेनी चाहिए। अगर आपको मेरे बिहाफ से मेरे एंड से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट करिए वीडियो के नीचे, और आप या तो मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको वहां पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा और आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं ताकि मैं आपको हर चीज बता सकूं। इसी तरीके से दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे फोन किया इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करने के बाद, वो एक फ्रेंचाइजी लेना चाह रहा था CSB की, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने चाय सुट्टा बार की और अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, पूरी डिटेल्ड में वीडियो बनाई है उसी के रिगार्डिंग। उस बंदे को, मेरे फ्रेंड को, वो लेनी थी फ्रेंचाइजी तो उसने मेरे को कॉन्टेक्ट करके सारी चीजें पूछी दोस्तों, तो मैंने सब चीजें उसको वहां पर एक्सप्लेन की थी। तो अगर आपको भी कोई भी किसी बिजनेस से रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे वहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बात करता हूं दोस्तों अपने वीडियो की। तो आज मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन से 6 बिजनेस आइडिया हैं जिनको आप लॉकडाउन के बाद करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखो दोस्तों इकोनॉमी डाउन हुई है और बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, और लॉकडाउन के बाद ये जो आपका पब्लिक बिहेवियर है, जो कस्टमर बिहेवियर है, वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो लॉकडाउन के बाद डाउन जाएंगे, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो लॉकडाउन के बाद बहुत बूम करेंगे। मैं बात करूंगा ऐसे ही बिजनेस की। तो बात करता हूं दोस्तों मेरे फर्स्ट बिजनेस आइडिया की, दैट इज ई-कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस। देखो दोस्तों ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस है लॉकडाउन के बाद। क्यों? क्योंकि लोग अब ट्रेवल नहीं करेंगे, लोग बाहर जाकर परचेज करना अवॉइड करेंगे, लोगों के कांटेक्ट में आना अवॉइड करेंगे। भाई वो टाइम रह गया कि और लंबी लंबी लाइन लगी है और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खड़े हैं, अब लोग दूरियां बना के रहेंगे, तो इसलिए लोग इस चीज को अवॉइड करेंगे और लोग कोशिश यही करेंगे जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो अपने घर पर ही मंगा लें। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्ड में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में एक क्लिप दे देता हूं, एक क्लू दे देता हूं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। जैसे Amazon, Flipkart, ShopClues, eBay, इन सब में अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप पार्टनर अकाउंट बना सकते हैं इसमें। जैसे कि अगर आप देखेंगे प्ले स्टोर में आपको Amazon सेलर का एक ऐप मिल जाएगा, Amazon सेलर आप डाउनलोड करके, जैसे Amazon में आप लॉगिन करते हैं ऐसे ही लॉगिन करके आप Amazon सेलर ऐप में अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज GST नंबर। GST नंबर दोस्तों किसी भी CA से आप कॉन्टेक्ट करके 1500 से 2000 रुपए में बना सकते हैं। मेरा एक जानने वाला दोस्त है तो वो 1500 में बना देता है। आप बाकी आप अपने शहर में पता कर लीजिए कितने में बनता है, वो बनाकर आप अपना GST नंबर का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद GST की डिटेल उसमें डालकर आप अपने प्रोडक्ट्स को उसमें लिस्टेड कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ में आप ऑनलाइन बिजनेस में आ सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों Flipkart, eBay, ShopClues और जितने भी इंडियन एप्स हैं इन सब में आप अपने प्रोडक्ट को लिस्टेड कर सकते हैं बहुत ही आराम से, सिर्फ एक चीज को करके जो कि है GST नंबर लेकर। तो आप ऑनलाइन बिजनेस अच्छा खासा कर सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल वे में आपको बता दिया, एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर में कि आपको कैसे करना है, क्योंकि बहुत से दोस्तों को ये पता ही नहीं होता कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। तो बस मैंने आपको बता दिया, आप प्ले स्टोर में जाइए, Amazon सेलर ऐप डाउनलोड करिए, Flipkart में Flipkart पार्टनर होती है, आप Flipkart में अगर आपका अकाउंट है वहां पर भी आप जाकर कर सकते हो, सेलर अकाउंट बना सकते हो और ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बात करता हूं दोस्तों मेरे दूसरे बिजनेस आइडिया की, जो कि है दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। दोस्तों ये जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो इंडिया के बाहर बहुत सारे देश होंगे जो इंडिया से कॉन्टेक्ट करेंगे बहुत सारी चीजों को खरीदने के लिए। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि इंपोर्ट कम करिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से आपने सुना ही होगा मोदी जी ने भाषण में कहा है कि अब लोकल एंड वोकल रहना होगा, यानी कि हमें इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट ही यूज करना होगा, स्वदेशी बनना होगा। तो इंपोर्ट में मैं कहूंगा कि आप ज्यादा जोर मत दीजिए, आप कोशिश करिए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में। उसमें क्या है, डॉलर्स में पेमेंट होगी, आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा और इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, और इसमें आपको दोस्तों गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी लोन लेने के लिए। तो अगर आप किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो इसमें आपको लोन भी मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करता हूं दोस्तों मेरे तीसरे बिजनेस आइडिया की, जो है दोस्तों हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मेडिसिन या दवाइयों का काम करें, नहीं भाई, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में और बहुत सारी चीजें आती हैं। देखो मैं नहीं कह रहा कि आप जाके सीधा फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल लो, नहीं,
आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में आप सिंपल सा क्या है, सैनिटाइजर, फेस मास्क, और इसके अलावा जो और सारे आइटम्स होते हैं, सोप होता है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। आप अभी देख लीजिए, जिस तरीके कोरोना टाइम चल रहा है तो अभी आपके थर्मामीटर्स बहुत चल रहे हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आप फोटो में देख लीजिए इस तरीके का, ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं अगर आप बल्क में खरीदेंगे, और आराम से इनको सेल कर सकते हैं आप। तो इस तरीके का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका अगर आपके पास थोड़ा पैसा है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप किसी भी एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग लगा लीजिए। जैसे आप सैनिटाइजर की मैन्युफैक्चरिंग लगा सकते हैं, या फिर आप सोप की मैन्युफैक्चरिंग लगा सकते हैं। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की मशीन आ जाती है, और बहुत आराम से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके ब्रांड रजिस्टर करवा के आगे बढ़ सकते हैं, और अपने जो मार्केट है वहां पर ये आप सप्लाई कर सकते हैं अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके पास आपका बजट कम है, तो आप होलसेल में इन प्रोडक्ट्स को उठाकर आगे मार्केट में बेच सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बात करता हूं दोस्तों मेरे चौथे बिजनेस आइडिया की, जो कि है यूनिसेक्स सैलून। दोस्तों ये एक स्किल्ड जॉब है, बट मैं ये इसको इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली ये बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करने वाला है लॉकडाउन कंटेनमेंट के बाद। तो ये दोस्तों स्किल्ड जॉब में आती है, बट अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी ये कोर्स कर रखा होता है, या किसी लड़की ने, या किसी उनके घर की वाइफ ने, किसी ने भी कर रखा है अगर ये कोर्स, और अब तक स्टार्ट नहीं किया है, तो ये एक बेस्ट टाइम है, दैट इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि आप इसको आप करें इस काम को। और अगर आप वैसे शॉप लेने के लिए आप नहीं कर सकते, शॉप को आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप बहुत आसानी से अर्बन क्लैब में रजिस्टर करके आप ये डोर टू डोर सर्विस दे सकते हैं। तो आप ये काम भी बहुत आराम से कर सकते हैं, और ये काम में भी लॉकडाउन के बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करता हूं मेरे पांचवें पॉइंट में, पांचवें बिजनेस आइडिया पे। ये भी दोस्तों एक स्किल्ड जॉब है, जो कि है दोस्तों ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। दोस्तों अगर आपके पास, देखिए बहुत सारे लोगों ने, हर कोई ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का कोर्स किसी ने नहीं किया होता, हर किसी को ऑटोमोबाइल्स की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती, बट दोस्तों ये बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये काम भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में सबकी कार बाइक्स खड़ी हुई है, उसके लॉकडाउन के खत्म होने के बाद लोग इनकी सर्विस, वॉशिंग, इन सब के लिए निकलेंगे, छोटे मोटे काम जो गाड़ियों में होंगे वो करवाएंगे। अगर आपके पास स्पेस है तो आप ये चीज रेंट में दे सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आप कोई भी लड़का या कोई भी जो जिसको ये काम आता हो उसको आप सैलरी बेस पे या दिहाड़ी बेस पे रख सकते हो, और आप एक कार वॉशिंग का पंप जो आता है वो पंप लेकर आप आराम से इस काम को भी कर सकते हो। अगर आप कार वॉश ही करते हो तब भी बहुत ज्यादा पैसे आप इसमें कमा सकते हो, क्योंकि गाड़ियां काफी धुलने के लिए आएंगी और सर्विस के लिए आएंगी। तो ये काम भी एक प्रॉफिटेबल काम होने वाला है लॉकडाउन के बाद। दोस्तों बात करता हूं मेरे सिक्स पॉइंट पे, जो कि है दोस्तों लॉजिस्टिक बिजनेस, यानी कि डिलीवरी बिजनेस। दोस्तों ये भी बहुत एक अच्छा बिजनेस है करने के लिए। आप चाहे तो एक कंपनी खोल सकते हैं, और अगर आप कंपनी नहीं खोल सकते, देखो दोस्तों ये बिजनेस उनके लिए भी बता रहा हूं, अगर बिजनेस नहीं कर सकते आप, कंपनी नहीं खोल सकते, तो जिन लोगों की जॉब जाने वाली है या जिनकी जॉब चली गई है, वो भी दोस्तों डिलीवरी बिजनेस या डिलीवरी जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि ये काम में अभी ना तो जॉब जाएंगी और ना ही दोस्तों ये बिजनेस डाउन होने वाला है। इसमें क्या है दोस्तों कि अगर जैसे भी बहुत सारी डिलीवरी एप्स होती हैं, लॉजिस्टिक एप्स होती हैं, वो काम बढ़ेंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लोग अभी डोर टू डोर सर्विस लेंगे, अपने घर में प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे, तो ये काम भी बेस्ट है। अगर आप कंपनी नहीं खोल सकते तो आप वहां पर जॉब कर सकते हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ठीक ठाक है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात बिजनेस आइडियाज के ऊपर। देखो दोस्तों मैं सिंपल सी बात बता दूं, कोई भी बिजनेस करने से पहले दोस्तों ये मत करना कि यूट्यूब पे वीडियो देखा, आप गए 1.5 लाख की मशीन खरीद ली और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद 2 महीने चला और बंद करके आप यूं सर पे हाथ रख के बैठ गए। अगर आपने ये किया तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। दोस्तों कभी भी YouTube की वीडियो देख के इंस्पायर होकर काम मत करना। दोस्तों पहले नंबर तो आपको ये पता करना होगा कि आपके अंदर किस चीज की क्वालिटी है। अगर आप F&B कर सकते हो, यानी कि फूड एंड बेवरेज का काम कर सकते हो, तो आप वो करिए। अगर आप ऑटोमोबाइल्स में अच्छे हो तो आप ऑटोमोबाइल्स का काम करिए। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी जो आपकी टॉकिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो आप और बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिस तरीके का, जैसे कि आपका होता है वेडिंग प्लानर्स होते हैं, किटी पार्टी प्लानर्स होते हैं, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, इस तरीके का काम कर सकते हैं। दोस्तों पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस बिजनेस के लिए सुटेबल हैं। अगर आप ये नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो आप अपना पैसा डुबा रहे हैं दोस्तों, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है दोस्तों, आप YouTube पे वीडियो देख के बिजनेस करेंगे तो आप लॉस में जाएंगे। आप YouTube से वीडियो देखिए, इंस्पायर होइए, अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो उससे रिगार्डिंग अगर आप चाहें तो उस यूट्यूबर से इंफॉर्मेशन लीजिए, नहीं मिलती तो आप वो जो बिजनेस है उसके बारे में और अदर जो आपके रिसोर्सेज है वहां से उसकी पूरी नॉलेज लीजिए। दोस्तों देखो इंटरनेट है, इंटरनेट भाई एक जाल है, इस जाल को अपनी अच्छी नॉलेज के लिए यूज करिए। ये नहीं दिन भर आप उल जुलूल फालतू की चीजें देखेंगे और उसके बाद आप एकदम से आपने वीडियो देखा, आपने सोचा और कर लिया, ये नहीं होता। नेवर एवर डू बिजनेस इन द सेंस ऑफ अर्जेंसी। अगर आपने ये किया तो आप लॉस ही करोगे, ये सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों।
और एक बात और दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो सबसे पहले दोस्तों बिजनेस आप जब स्टार्ट करिए, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो दोस्तों सबसे पहले कम से कम लागत में बिजनेस करने की कोशिश करो। देखो दोस्तों, अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है ना कि मेरे को बिजनेस करना है और मुझे 1.5 लाख, मुझे 2 लाख, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, तो भाई आप बिजनेसमैन नहीं हो, बुरा मत मानना, बट आप बिजनेस के लिए नहीं बने हो। अगर आपके अंदर यह कैपेबिलिटी है कि आप बिजनेस को कम से कम पैसे में शुरू कर सकते हो, तो भाई यू आर अ बिजनेसमैन एंड डेफिनेटली यू विल ग्रोथ। क्योंकि देखो दोस्तों, बिजनेसमैन वही होता है जो बिना पैसे के बिजनेस को स्टार्ट कर सके। मेरा मतलब ये नहीं है कि जीरो से, बट वो इसका कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि आपके पास कम से कम पैसे से भी आप बिजनेस कर सको। दोस्तों बिजनेस अगर करना है तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम लागत में करो, छोटे से छोटे पैमाने पर करो, और उसको फिर आप एक्सपेंड करो उसी बिजनेस अमाउंट से। ये नहीं कि आपने सीधा 20 लाख रुपए लगा दिए और उसके बाद बिजनेस नहीं चला और आप फिर बैठ गए। दोस्तों एक बात बता दूं, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर आपने ज्यादा अमाउंट लगा दिया दोस्तों, फिर वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्योंकि अगर आप 10 से 20 लाख रुपए लगाने के बाद बिजनेस कर रहे हो और अगर आपको लॉस हो गया, भाई आपके अंदर फिर इतने गट्स नहीं होंगे, इतनी हिम्मत टूट जाती है बंदे की, वो दोबारा बिजनेस करने के बारे में सोच नहीं सकता। इसलिए बोलता हूं 10,000, 20,000, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करो, बहुत आराम से हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो डाला भी है कि आप 10,000 से 20,000 रुपए में कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके अलावा जो भी बेस्ट वीडियोस होंगे वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों मैं इस तरीके की कोई वीडियो नहीं बनाता जिसमें मैं उल्टे सीधे बिजनेस आइडियाज देता रहूं ताकि आप अपना पैसा डुबा लो। भाई मैं स्टडी करके बहुत अच्छे वो बिजनेस आइडियाज आपको बताता हूं जिनको करने से आपको प्रॉफिट हो, और बिना नॉलेज के भी आप उन्हें कर सकते हैं। तो मैं तो फिर फिलहाल यही कहूंगा दोस्तों, अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल नॉलेज चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज लाल वाला बटन जरूर दबा देना सब्सक्राइब का, और मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज प्लीज कमेंट करिए यार, मुझे भी पता चले, मोटिवेशन मिले, मैं आपको रिवर्ट भी करूं और आपके टॉपिक्स पर वीडियो भी बनाऊं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।